नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन का जो प्रस्ताव है कैबिनेट में पास हो चुका है, लेकिन जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें ये दर्शाया गया था कि अध्यापकों का जो पुराना शिक्षा विभाग में उसमें संविलियन ना करके एक अलग से विभाग बनाया जाएगा, जिसको नाम दिया गया था राज्य शिक्षा सेवा, और उसी के अंतर्गत सभी अध्यापकों का संविलियन किया जाएगा। लेकिन इसका सभी अध्यापकों ने काफ़ी विरोध किया, और जब इस विरोध के फलस्वरूप अध्यापकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे, मुख्यमंत्री से चर्चा की, तो मुख्यमंत्री का कहना था कि पुराने जो शिक्षक संवर्ग के साथी हैं, जो पुराने शिक्षक संवर्ग है, उन लोगों ने आपत्ति ली है। उन लोगों का कहना है कि अध्यापकों को पुराना शिक्षा विभाग ना दिया जाए, जिसके बाद पुराने जो शिक्षक संवर्ग के साथी हैं उन लोगों ने भी इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से चर्चा की है। और उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने एक विभाग एक कैडर पर अपनी सहमति दे दी है, उन्होंने इसका पूरा आश्वासन दिया है कि अध्यापकों का जो संविलियन किया जाएगा वो एक विभाग एक कैडर पर ही किया जाएगा। इसका मतलब शिक्षा विभाग जो 1992 वाला है, पुराना जो शिक्षा विभाग है, उसी में अध्यापकों का संविलियन किया जाएगा। देखते हैं अब ये न्यूज़ कहाँ तक सच होती है। चलिए आपको पहले पूरी न्यूज़ दिखाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। न्यूज इस प्रकार से, न्यूज़ खरगोन से है, और आज सर्किट हाउस खरगोन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष लचीराम इंगले एवं महामंत्री छत्रवीर सिंह राठौर, संगठन मंत्री हीरालाल तिरोले ने शिक्षक संवर्ग को शीघ्र पदनाम देने एवं अध्यापकों का एक विभाग एक कैडर में शिक्षा विभाग में संविलियन करने व ई अटेंडेंस की समस्याओं पर चर्चा की। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गंभीरतापूर्वक समस्याओं को सुनकर शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। बाद में संघ ने सीएम की यात्रा के प्रभारी प्रभात झा से इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। चर्चा में उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय लेने के लिए बात कहूँगा। तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें ये कहा गया है कि जो पुराने शिक्षक संवर्ग है, उनके जो महामंत्री हैं, उनके जो प्रांत अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है और उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि अध्यापकों का एक विभाग एक कैडर के अंतर्गत ही शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरतापूर्वक उन समस्याओं को सुना और शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। तो हो सकता है आगे चलकर अध्यापकों को जो पुराना शिक्षा विभाग है, पुराना शिक्षा विभाग ही मिल जाए। लेकिन जैसी कि खबर आ रही थी कि सोमवार को आदेश जारी होंगे, तो अब वहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार के आदेश जारी हो पा रहे हैं, यदि सोमवार को आदेश जारी होते हैं तो, या फिर एक और नई डेट प्राप्त होगी जिसमें अध्यापकों को कौन सा विभाग मिलेगा, राज्य शिक्षा सेवा मिलेगा या पुराना शिक्षा विभाग मिलेगा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।